thank you मैंने लिया है ये 400 ग्राम पनीर 10 से 12 लहसुन की कली एक पिंच अदरक आई I मीन mean एक इंच अदरक और चार से 5 हरी मिर्ची चार से चार प्याज और दो टमाटर और लिया है मैंने ये आधा किलो करीब पालक जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है छांट लिया है इसको इसके सारे डंठल रिमूव कर दिए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए लाइक करिए शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी ये मैंने कढ़ाई को तेल तेज गैस पर चढ़ा दिया है और उसमें पाँच से छः चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है थोड़ा ज़्यादा सब्जी बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा ऑयल डाला है आप कम बनाते हैं तो कम डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये देखिए मैंने उसमें एक चुटकी जीरा और एक चुटकी हींग ऐड कर दी है और ये हमारी हींग और वो जीरा पक गया है अब मैं इसमें जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ली थी उनका पेस्ट बना लिया है वो भी इसमें ऐड कर दिया है इसको थोड़ी देर भूंज लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल निकल जाए ये देखिए क्योंकि लहसुन की स्मेल बाद में आती है तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है सब्जी का ये देखिए मैंने प्याज ले ली थी जो प्याज ली थी उसको भी बढ़िया ग्राइंड कर लिया है इसको रोस्ट कर लेंगे अंटिल गोल्डन ब्राउन जब तक इसमें सारा ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता है तब तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे ये देखिए पाँच से दस मिनट लगते हैं ये देखिए ये हमारी प्याज़ जो है वो बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसमें से जो ऑय एक्सेज ऑयल है वो भी निकल आया है अब मैंने जो टमाटर लिए थे उनकी भी प्यूरी बना ली और उसको भी इसमें ऐड कर दिया ये देखिए बढ़िया इसको भी पका लेंगे जब तक इसमें से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड नहीं होता है इसमें थोड़े मसाला भी ऐड कर देंगे साथ ही में क्योंकि टमाटर के साथ अगर नमक वगैरह ऐड नहीं करेंगे मसाला ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये टमाटर अच्छे से गलेगा नहीं ये देखिए मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है चार से पाँच चम्मच नमक लिया है छोटा साइज का चम्मच है इसलिए मैंने चार चम्मच नमक लिया है आपके पास बड़े साइज की है तो आप प्लीज़ कम डालिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए ये मैंने चार चम्मच इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया कोरिएंडर पाउडर ये देखिए क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है इसलिए मैं मसाला ज़्यादा ऐड कर रही हूँ मैंने हाफ़ टी स्पून ऑफ़ रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है और ये थोड़ा सा पनीर मसाला वो भी एक चम्मच करीब डाला है ये देखिए इसको बढ़िया मिक्स कर दिया है इसको दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे कढ़ाई में ये देखिए थोड़ा सा इसमें आप गरम मसाला जो हमारे घर का बना हुआ है उसको ऐड कर देंगे करीब हाफ टी स्पून ये देखिए वो भी ऐड कर दिया इसको भी थोड़ी देर चलाएंगे ये देखिए हमारा मसाला पक गया है साथ में टमाटर भी हैं वो भी पक गए हैं और उसमें से जो एक्सेस ऑयल था वो भी थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है निकल रहा है उसमें से ये देखिए अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी पालक जो मैंने मिक्सी में चला ली है अभी थोड़ी सी हल्की सी चलाई है बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड किया है इसको मैंने ये देखिए ये मेरी जो पालक थी मैंने उसको ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे कि पालक में जो स्मेल आती है वो निकल जाए इसमें कोई स्मेल ना रह जाए ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि ये जो सब्ज़ी है वो बहुत गाढ़ी ना हो अभी उसमें पनीर डालेंगे तो पनीर भी थोड़ा सा पानी शोक कर लेगी तो फिर सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये देखिए ये मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ बट ये मुझे नाइट में खाना है लेकिन क्या है कि अगर ऐसी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ होती हैं उनको अगर तीन से चार घंटे पहले अगर आप बना के रखते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया मुझे कम लग रहा था ये देखिए बढ़िया अब इसको भी मिक्स कर देंगे जब तक सब्ज़ी खोलती है तब तक अपना कोई और काम करेंगे इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ये देखिए ये बढ़िया खोल गई है इसमें ऊपर से ये तेल भी थोड़ा थोड़ा सा आने लग गया है और ये इसमें जो जितना भी ये वाइट वाइट हो रहा है ना ये सारा ही रिमूव हो जाएगा खोलते खोलते अब मैं इसमें पनीर ऐड कर देती हूँ अपनी मैंने ये पहले से ही पीसेस में कट करके रखी थी फोर हंड्रेड ग्राम पनीर लिया है ये देखिए इसको भी इसमें ऐसे ही मिक्स कर देंगे हल्के हल्के हाथ से जिससे कि ये पनीर टूटे ना ये देखिए वाह है ना अमेजिंग रेसिपी और ये मेरी पालक पनीर तैयार है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और सभी लोगों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए और हाँ आज का सीक्रेट ये था कि मैंने पालक जो ली थी उसे बॉईल नहीं किया था उसको मैंने कच्चा कच्चा ही मिक्सर में चलाया था आई I मीन mean, मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लिया था कच्ची ही पालक को बस अच्छे से वॉश किया था उसको तो आज का ये हमारा सीक्रेट था और वीडियो देखने के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियो लेके आऊँ जिससे कि मैं आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ ये देखिए हमारी पालक पनीर बिल्कुल तैयार है और इसका भी एक सीक्रेट और है इसमें मैंने ये एक चम्मच घी लिया है शुद्ध घी उसको भी इसमें ऐड कर दिया है आप चाहें तो हरी धनिया भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं बट मैंने हरी धनिया पालक के साथ ही आ, मतलब पीस लिया है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है अलग से थैंक यू बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं फिर कभी थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय